कल के जलसे के लिए हम प्रोटेक्टिव बेल लेने आए हैं, क्योंकि पिछले जो एफ आई आर होती है उनमें हम बेल लेते हैं, क्योंकि अगली हम पे होनी होती है तो उसकी तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए ही आए हैं। कल सीधी सी बात हमने की है, खान से मुलाकात करवा दें, उनकी बहन की करवा दें, उनके लॉयर्स की करवा दें, हमें तसल्ली हो जाए। अगर आप चाह रहे हैं, आपको बहुत फिक्र है कि मेहमान आए हुए हैं, तो आप कंटेनर लगा के ना शहर बंद करें, आप हमें ना मजबूर करें कि हमें तजाज के लिए आएँ। आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि वो ठीक है, उनकी फैमिली जिन पे लोगों को भरोसा है आप उससे मिलवा दें, तो हम नहीं आते। हमें तो कोई शौक नहीं है कि आप हमें जितने मर्जी सर्टिफिकेट बांटते रहें कि हम फसादी हैं, मगर हम रास्ते बंद नहीं करते, हम लोगों पे शैल नहीं मारते, हम नहीं लोगों की गिरफ्तारियाँ करके लोगों के घरों में घुसते। अली अमीन चाहते थे वो भी अपना सारा ये शैलिंग गलिंग ये सारा कुछ मुकाबला कर सकते थे, दो सूबे आपस में लड़ा सकते थे, मगर हर दफ़ा वो पीछे हो जाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम फसाद नहीं चाहते ना, हम सिर्फ खैरियत पता करना चाहते हैं अपने लीडर की। बस अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया जलसे कल या किसी जी आज का, तो क्या कब तक करेंगे, शाम तक हो जाएगा? क्योंकि अमूमन जो है पहले दो दिन पहले कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ताहाल अभी तक नहीं किया है, क्या देखिए ये हमने खान के लिए निकलना है, अपने मुल्क के लिए निकलना है, इसके लिए हमें किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम एक मिनट पहले भी ऑर्डर होगा कि निकलना है तो एक मिनट पहले ही निकल जाएंगे, हमने क्या तैयारी करनी है उसके लिए। अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने वजारत दाखिला में दी एप्लीकेशन की मुलाकात करवाई जाए, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिर कि हम मेहमानों को तंग करें या कुछ करें, लेकिन अगर आप मुलाकात नहीं करवा रहे हैं तो फिर हमें तंग करने का शौक नहीं, लेकिन फिर हम मजबूर हैं। ठीक है।